सर उस समय का दो तीन सच्चाई हम याद करना चाहिए, जब इतना जबरदस्त हिंदुओं के ऊपर इतना हो रहा था और लोग कैसे बाहर निकले वो भी उनको मालूम नहीं था, और मैं बोलना नहीं चाहती, नो डिफरेंस बिटवीन मदर एंड डॉटर, हस्बैंड के सामने वाइफ का, यू विल अंडरस्टैंड सर, कांट इवन अटर दिस, कांट इवन अटर दिस, पीपल वे थ्रेटेंड, यू विल कन्वर्ट और एल्स यू विल नॉट बी अलाइव। ये हुआ उस समय, मगर सच्चाई बाहर आने के हर बार कुछ ना कुछ आटंका, नहीं नहीं, दैट डिडंट हैपन, डिनायल, आज भी डिनायल हो रही है। और जब इस फिल्म के बारे में कोई ऑनरेबल मेंबर बात कर रहे थे, बहुत सारे मेंबर्स उसके ऊपर बात किए, इवन नाउ ये मैं दुख के साथ, वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण बहुत बैठे हैं इधर, कल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से डिनायल का ट्वीट्स लगातार आया, और ये भी बोले कश्मीरी पंडित खुद जा करके चल गए कश्मीर से, चल गए कश्मीर से उनके खुद की मर्जी से, ना कि कुछ हुआ, डिनायल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से। और उस हैंडल में से ये भी बोले कि अपने आप चले गए, और हमारे हमारे पार्टी का बिलीफ है कि ये टेररिस्ट का काम था, कुछ काम था पता नहीं, और खुद वो क्योंकि दिल्ली में उनको कुछ बेनिफिट्स मिल रही है, जमीन मिल रही है, जॉब मिल रही है, रिजर्वेशन, उसके लिए वो निकल गए। और ये भी बोल रहे हैं कि हमारे बिलीफ, कांग्रेस पार्टी के बिलीफ, सेपरेटिस्ट का लॉन्ग बैटल है ये, सेपरेटिस्ट एंड दोस स्टैंड फॉर इंडिया, मतलब भारत के लिए जो लोग हैं उनके और सेपरेटिस्ट के खिलाफ वाले बीच में आपस में झगड़ा है, इसके वजह से उधर दुख हुआ। मगर सच्चाई में बोलूं सर, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, हसनन मसूदी जी हैं इधर, उनके गवर्नमेंट था जेएनके में, और उसमें पार्टनर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। और दुख से यह भी मैं कह रहा हूं, नाम नहीं ले रही हूं, तब की चीफ मिनिस्टर हिंदुओं को उनके अपने नसीब देख लो भैया करके विदेश चले गए, ये भी सच है जी। जम्मू कश्मीर के तब की सरकार की चीफ मिनिस्टर हिंदुओं को उनके नसीब को छोड़ करके देश विदेश चले गए, और ये लोग मरे, रेप हुआ, और उन सबको बाहर भागने का बदनसीबी उनके ऊपर आया। आज भी कांग्रेस खल के ट्वीट के द्वारा कांग्रेस उसको डिनाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सेपरेटिस्ट का और देश के खिलाफ लड़ने वाले सेपरेटिस्ट का और देश के आमने सामने के लड़ाई, अगर वो सच है सर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर वो बात सच है, कांग्रेस के ये बात सच है, तो उनसे पूछना चाहती हूं, जेएनके का एक सेपरेटिस्ट जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को खुलेआम उनके बीवी बच्चे के सामने मराया, वो एक प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके शेक हैंड किया है, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके जो सेपरेटिस्ट है, और आज बयान दे रहे हैं कांग्रेस कि सेपरेटिस्ट और भारत देश के खिलाफ झगड़ा, अगर वो सच है तो क्यों आपने वो सेपरेटिस्ट को बुला करके प्रधानमंत्री जी के हाथ शेक करवाया, उनको इनवाइट किया, क्या सच है? आप एक समय बोल रहे हो कि ये नहीं हुआ, दूसरा समय आपके चीफ मिनिस्टर भाग गए देश छोड़ करके, तीसरा ये लोग भाग भाग करके दिल्ली आकर के शरणार्थी बन गए उन्हीं के अपने देश में, फिर कल तक, कल सुबह तक कांग्रेस का ट्वीट्स में ये आ रहा है कि सेपरेटिस्ट के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ झगड़ा हो रही है, ये सेपरेटिस्ट वर्सेस भारत देश है, अगर वो सच है
फिर क्यों सेपरेटिस्ट को आपके प्रधानमंत्री जी के पास लेके गए जो हमारे एयरफोर्स के लोग को मराए? सर, मैं किसी का नाम नहीं ली, मगर प्रधानमंत्री जी के पास गए कि नहीं गए? कल का ट्वीट सच है कि नहीं सच? और सर, मैं ये भी बोलूं ये प्रधान, ये सुन लीजिए, जरूर ये सुनिए, ये सेपरेटिस्ट एक विदेशी टेलीविजन चैनल में, जाकर के कंसीड किया, माना कि हां मैं एयरफोर्स के अधिकार